Welcome to our channel 100% Knowledge with Success. वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से BSc सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही थी, जिसमें हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D श्रेणी के प्रॉपर्टीज़, 3D श्रेणी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे, उसके गुणों के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट में वो गुणों में से ही बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ में से ही बनते हैं, इसलिए हम उनकी ही बात कर रहे हैं डिटेल में, और एक एक प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है घनत्व या डेंसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, हमको किस में पढ़नी है? 3D श्रेणी में पढ़नी है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमको घनत्व पढ़ना है। ठीक है, घनत्व किस में पढ़ना है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है याद करो। देखो, जब मैं लिखूँ ना तो आप मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, जिससे आपको याद आती रहे। ठीक है, तो कौन सी है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, एफी, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये हमारे पास कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी है, जो 21 से स्टार्ट होती है और 30 तक जाती है। ठीक है बच्चों, देखो याद रखो, बार बार बोलते रहो तभी आपको याद होगी। हालांकि मैंने 100 ट्रिक बता दिया है, लेकिन जब तक मैं यूनिट चला रहा हूँ ये, तो आप लगातार बोलते रहा करो, जिससे आपके याद में रहे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं घनत्व की, डेंसिटी की। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती क्या है, कुछ को अभी तक ये नहीं पता होगा। देखो, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या कुछ भी हो सकता है। डेंसिटी का मतलब की संख्या किसी इकाई आयतन में, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या हो सकती है? डेंसिटी हो सकती है, घनत्व हो सकती है। जैसे हमारे पास ये कोई पात्र है, ठीक है, तो पात्र का जो इकाई भाग है, जिससे पूरा पात्र बना हुआ है, इकाई भाग है, तो इसमें कितना हमारे पास क्या है, जो इकाई आयतन है उसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, तो वो हमारे पास क्या है? घनत्व है। इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, आपको ज़्यादा डेंसिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप ये याद रखो, इकाई आयतन में अणुओं या परमाणुओं की संख्या। ठीक है, इकाई आयतन है ये छोटा सा भाग है, और हर एक भाग में लगभग इतने ही होने चाहिए। तो इकाई आयतन में अणुओं या परमाणुओं की संख्या, जो भी है जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। अब देखो, जो घनत्व है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, एटॉमिक साइज के लिए भी बोल सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास या परमाणु भार। ठीक है, जो भी मास है, वेट है वो। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, परमाणुओं की क्रिस्टल में व्यवस्था की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, तो हमारे पास कोई परमाणु है, परमाणु में कितना घनत्व है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? एक तो ये परमाणु की त्रिज्या, परमाणु कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, परमाणु भार। परमाणु भार सीधी सी बात है, हम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे, 21, 22, 23, 24, 25, तो परमाणु भार बढ़ता जाएगा।
ठीक है, और परमाणु की व्यवस्था, परमाणु में जो हमारे पास कण है वो किस तरीके से व्यवस्थित है, वो हमारे पास व्यवस्था या अणुओं में व्यवस्था, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे हमको बात करनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में घनत्व जो है वो किस तरीके से है, ये हमको बात करनी है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। देखो जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक जाते हैं, ठीक है, जब हम जाते हैं तो होता क्या है, सीधी सी बात है, जो हमारे पास परमाणु त्रिज्या है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैंने आपको पिछली क्लासेज में क्या बताया था, परमाणु का आकार जो है वो कम होता जाता है, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु का जो आकार है वो कम होता जाता है, परमाणु का जो आकार है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। और जो हमारे पास परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम इस तरीके से जाएंगे तो हमारे पास जो परमाणु त्रिज्या है वो हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। परमाणु त्रिज्या कम होने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास परमाणु बड़ा है फिर हमारे पास परमाणु छोटा होता जाएगा, ठीक है, परमाणु छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे होता क्या है, परमाणु आकार जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो इसका परमाणु भार है, जैसे 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, ठीक है, परमाणु का जो आकार है वो घट रहा है, या फिर हम कह सकते हैं परमाणु की जो त्रिज्या है वो घट रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 21, 22, 23, देखो हम बढ़ रहे हैं आगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है, परमाणु भार बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखो परमाणु आकार तो कम होता जा रहा है, लेकिन जो परमाणु भार है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि कणों की संख्या बढ़ती जा रही है, कणों की संख्या बढ़ती जा रही है किसी परमाणु में, ठीक है, और जब देखो यहां पे परमाणु आकार कम हो गया और परमाणु भार भी हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा, परमाणु भार बढ़ गया, तो जो इसका इकाई आयतन होगा, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा, या फिर अणु इकाई आयतन में जो हमारे पास कणों की संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, इकाई आयतन में जो कणों की संख्या होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो आपको तो देखो इतनी बात याद नहीं रखनी है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो आपको तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या याद रखना है, अब यहाँ देखना, मैंने इतना बता दिया, यहाँ देखना कि किसी श्रेणी में परमाणु त्रिज्या जब घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है और परमाणु भार बढ़ता है, तो जो हमारे पास घनत्व होगा वो बढ़ेगा, घनत्व होगा वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, आपको सिंपल सी बात ही याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, घनत्व की बात हो गई, ठीक है, डेंसिटी की बात हो गई, घनत्व की बात हो गई, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज और है, हम उसको और पढ़ लेते हैं आज, हमारे पास है गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां होता क्या है, देखो पहली बात, हमारे पास ये सब क्या है, धातु है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैं ये सब हमारे पास क्या है, मेटल है, जो ये 3D श्रेणी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कोपर, जिंक, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब की सब क्या है, मेटल है, सब की सब धातु है। और धातु का गुण आपको पता है, धातु क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, धातु कैसे होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं,
ठीक है। और अब जब कठोर धातु होते हैं हमारे पास, तो कठोर धातु को तोड़ना तो मुश्किल होता है, ठीक है, और कठोर धातु को गलाना और यानी कि मेल्ट करना भी मुश्किल होता है, बॉयल करना भी मुश्किल होता है। अब जैसे आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए, किसका, फेरस का एग्जांपल ले लिए, लोहा, लोहे को आप कितना तपाते हो, जब भी जल्दी से क्या होता है, वो पिघलता नहीं है। ऐसे ही हमारे पास और मेटल हैं, बाकी के मेटल भी हैं जो जल्दी से हमारे पास मेल्ट नहीं होते, बॉयल नहीं होते। इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है सबों का, क्योंकि सब धातु हैं, ठीक है। तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, जो धातु है, धातु के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, सारे धातु हैं गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, अब हमको बात करनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, ठीक है। जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, मैग्नीज से लेके आगे तक जाते हैं, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान घटने लग जाता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हुआ, देखो स्कैंडियम से जब हम क्रोमियम तक गए तो हमारे पास क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गलनांक और क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इनके मान, लेकिन इसके बाद घटने लग जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, तो देखो यहां पे हमारे पास डी ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास होता क्या है, जब हम स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्कैंडियम हमें इस तरीके से बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जब तक हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास धातुओं में जो बंध होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है, लेकिन बाद में जो बंद है वो दुर्बल होता जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे आगे देखते हैं, हम स्कैंडियम से चले, हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे हमारे पास इनका बंध बनाने में बहुत ज्यादा योगदान होगा, बंध बनाने में योगदान ज्यादा होगा, योगदान अधिक होता है, ठीक है। आप तो सिंपल सी बात याद रखो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है सिंपल सी बात याद रखो, जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है, जब हमारे पास, सॉरी गलत बोल गया मैं ही कह रहा हूं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तब हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और हमारे पास गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो वहां पे हमारे पास, यहां पे क्या होता है, जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, यहां भरना बंद हो जाते हैं, तब हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहले 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 ही रह गए, फिर 3 ही रह गए, फिर 2 ही रह गए, फिर 1 ही रह गए, ठीक है। तो अब हमारे पास, पहले तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार घट रही है, ठीक है, इसलिए हमारे पास बंध क्या है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने पर
मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लग जाते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जब हमारे पास दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाने लगे, जब हमारे पास ऑर्बिटल पूरा भर गया था और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लग गई धीरे धीरे, तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कई ओके, ये मैग्नीज के बारे में बात आ रही होगी और जिंक के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, मैंने इनके बारे में इसलिए बात नहीं करी क्योंकि इनका जो विन्यास होता है वो स्थाई होता है, D5 और D10 वाला जो विन्यास है, कॉन्फिगरेशन है, वो स्थाई होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया, साथ में मैंने डेंसिटी समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, बाकी की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अगली क्लासों में। तो क्लास लेते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।